दोस्तों, यदि आप अपनी हेयर ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बालों को सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं, बिल्कुल मेरी बेटी के बालों की तरह, तो आज मैं वही उपाय आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से मैं उसके बालों की केयर करती हूँ। तो आज मैं इसके लिए आपको बहुत ही अच्छा हेयर पैक बनाना बता रही हूँ, जो कि आपके बालों को बहुत ही अच्छा सिल्की और शाइनी बनाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरी बेटी के बाल हैं, किस तरह से इसे अप्लाई करना है वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वेलकम टू माई चैनल, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, बालों का झड़ना हम किस तरह से रोक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है, कलौंजी जिसे कि ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहा जाता है, गुणों का भंडार है दोस्तों। और जब आप इसका मास्क बनाकर लगाएंगे बालों में, तो आप देखेंगे कि बालों का झड़ना बिल्कुल ही रुक जाएगा। आपने देखा होगा आजकल बाल झड़ने की समस्या बढ़ती जा रही है, गंजापन बढ़ता जा रहा है। और साथ ही मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ मेथी दाना। मेथी के दाने जिसे कि हम फेन्युग्रिक सीड कहते हैं, दोनों ही चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। आप चाहें तो इसका पाउडर बनाकर भी रख सकते हैं, ये पाउडर ख़राब नहीं होगा। या फिर आप चाहें तो इसका जो पेस्ट भी बना सकते हैं, परंतु पेस्ट को आपको उसी समय इस्तेमाल करना होगा, और पाउडर को आप महीनों तक बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी उबलने रख दिया है। जैसे ही पानी में उबाल आया, मैंने दो बड़े चम्मच मेथी के दाने फेन्युग्रीक सीड डाला है और दो बड़े चम्मच ब्लैक क्यूमिन सीड जिसे कि हम कलौंजी कहते हैं, और कम से कम 10 मिनट तक के स्लो फ्लेम पर आपको इसे अच्छी तरह से उबालना है, ताकि पानी में भी इनका अर्क आ जाए। तो दोस्तों, हम इसे अपने बालों की सुरक्षा के लिए हेयर स्प्रे भी बनाएंगे और साथ ही साथ हेयर मास्क भी बनाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल मैजिक की तरह यह काम करता है। बालों का झड़ना तो रुकेगा, साथ ही साथ हमारे बालों में कई बार डैंड्रफ हो जाती है। डैंड्रफ की समस्या ज़्यादातर बढ़ती ही जा रही है, डैंड्रफ की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही दो मुँहे बाल, स्प्लिटेंट कहा जाता है जिसे, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। बहुत ही इफेक्टिव है कलौंजी जी, और जो मेथी के दाने हैं वो गुणों का भंडार है। तो 10 मिनट तक के मैंने इसे खूब अच्छी तरह से उबाल लिया है। अब इसका जो पानी है दोस्तों, इस पानी से हम बनाने वाले हैं हेयर स्प्रे। आप बालों पर इसका स्प्रे करें और इसके स्प्रे को लगाकर कम से कम आधा घंटा तक के आप इसके पानी को बालों में लगा कर रखें। आपको अपने स्कैल्प पर भी लगाना है, तभी आपको डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा। जितना अच्छा बालों की जड़ों में जाएगा, बालों का झड़ना कम होगा। और जो दाने बचे हैं दोस्तों, उसको मैं पीस रही हूँ मिक्सर के जार में, और बढ़िया अच्छा फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अभी थोड़े से मोटे मोटे दाने हैं। यदि पानी की ज़रूरत पड़े तो जो पानी डालकर हमने इसे उबाला है दोस्तों, वही पानी आपको इसमें ऐड करना है, सादा पानी ना डालें। तो अब आप देख सकते हैं, मैंने आपको हेयर स्प्रे बनाना भी बता दिया, और साथ ही साथ ये जो हमने हेयर मास्क बताया है, इसे आपको अपने बालों की पूरी लंबाई में लगाना है, साथ ही साथ अपने स्कैल्प पर भी लगाना है। लगाने से पहले आप इसमें कोकोनट ऑयल ज़रूर डालें, तो दो चम्मच कोकोनट ऑयल डालेंगे। साथ ही मैं यहाँ पर दो बड़े चम्मच आंवला पाउडर डालूंगी। मान लीजिए उस समय आपके पास आंवला पाउडर नहीं है, तो आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नींबू के रस में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, जिससे हमारे बालों का झड़ना तो रुकेगा, साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या भी ख़त्म होगी। 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल डाला है। तो नींबू तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आंवले का पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, नींबू का रस डाल दें। अच्छी तरह से आंवला पाउडर डालकर मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब आपको इसको अपने बालों में लगाना है, और ये जो हमने स्प्रे तैयार किया है बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। आप अपने बालों की लंबाई स्कैल्प पर लगाएं, आप देखेंगे बिल्कुल बालों का झड़ना रुक जाएगा। आप इसे कुछ समय तक इस्तेमाल करें, आपको 100% पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो स्प्रे को तो मैंने जो बनाया है हेयर स्प्रे,
बॉटल में भर दिया। आपके पास भी कोई पुरानी बॉटल होगी तो उसमें आप इसे भर सकते हैं। अब ये जो हेयर पैक बना है, हेयर मास्क बना है दोस्तों, जिससे मैं हमने मेथी दाना कलौंजी का यूज़ किया है, उसे मैं बता रही हूँ कैसे अप्लाई करना है। ये मेरी छोटी वाली बेटी है दोस्तों, आप इसके बाल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर बाल है, बहुत छोटी है मेरी बेटी, पर बालों की लेंथ देखिए, बालों का घनापन देखिए आप, बहुत ही घने और बहुत ही हेल्दी बाल है। बिल्कुल इसी घरेलू उपचार से ही मैं इसके बालों की केयर करती हूँ। किस तरह से लगाना है ये मेरी बेटी खुद ही आपको इस तरह से लगा कर दिखा रही है। आप बालों की लंबाई देख सकते हैं, कमर के नीचे तक के उसके बाल हैं और बहुत ही घने, बहुत ही सिल्की हेयर हैं। क्योंकि इसी तरह से यदि हम घरेलू उपचार से अपने बालों को बचाएंगे दोस्तों, करेंगे घरेलू उपचार, तो हमारे बालों का झड़ना रुकेगा, बाल काले होंगे, घने होंगे, साथ ही साथ डैंड्रफ की समस्या से भी हमें छुटकारा मिलेगा, स्प्लिट एंड भी हट जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।